हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू योर क्रिएटिव चैनल कॉरिस क्रिएटिव स्किल्स। इस बार मैं कुछ डिफरेंट करने वाली हूँ। एक्चुअली ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग रहने वाला है क्योंकि मैं यहाँ पे करने वाली हूँ लीफ पेंटिंग। यस, यू हर्ड इट राइट। तो एक्चुअली मेरे बालकनी में एक लीफ टूट गई थी फिलोडेंड्रॉन की, तो मैंने सोचा ये इतनी बड़ी लीफ है, क्यों ना इसके ऊपर कुछ क्रिएटिव किया जाए और कुछ पेंटिंग किया जाए। तो मैंने इस पे एक्रेलिक पेंट किया है। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही चाहिए। और आगे की अपकमिंग चैलेंजेस और न्यू वीडियोज़ आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड आइडियाज़ मिलते रहने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर मैंने लीफ को क्लीन करके ले लिया है और इसके ऊपर सबसे पहले मैं एक बेस कोट लगा लूँगी। बेस कोट के लिए बेस्ट ऑप्शन वाइट कलर होता है, पर मैंने यहाँ पर येलो कलर का चूज़ किया है। तो लेट्स सी हाउ द पेंटिंग इज़ गोइंग टू बी। ये सारे एक्रेलिक कलर्स हैं जैसा कि मैंने पहले मेंशन किया था, और इसे मैं अच्छी तरह से कोट लगा लूँगी। ये मुश्किल से 2 to 5 मिनट्स लगता है इसे ड्राई होने में टू स्टार्ट अप विद द न्यू प्रोसेस। और ऊपर में मैंने ब्लू कर लिया है क्योंकि ये थोड़ा नाइट सीन होने वाला है, तो इसलिए मैंने थोड़ा थीम ऊपर में ज़्यादा डार्क रखा है। तो मेरे लिए तो ये फर्स्ट टाइम लीफ पेंटिंग होने जा रहा है। वैसे बिगनर्स इसे ईजली बना सकते हैं क्योंकि मैं भी फ़िलहाल एक बिगनर की तरह ही इसे पेंट कर रही हूँ, एज़ यू कैन ऑल सी दिस वन। और इसके बाद जो भी मेरे मन में कलर्स आते गया, मैं बस रैंडमली इधर उधर करती गई। इसके लिए मैंने यहाँ पर 10 नंबर की राउंड ब्रश ली है और इसे कंप्लीट करने की कोशिश की है। और लास्ट में बस मैंने पतली वाली जो 3 नंबर या 2 नंबर की ब्रश होती है उसकी हेल्प से पेंटिंग कंप्लीट की है। तो चूँकि अभी बेस कोट है तो अभी काफ़ी अगली दिख रही है, पर धीरे धीरे जैसे हम लोग इसमें डिटेलिंग ऐड करते जाएंगे ये पेंटिंग उतनी ही उभरती चली जाएगी। ये लीफ जिस पे मैं पेंटिंग कर रही हूँ ये बिल्कुल फ्रेशली टूटी हुई लीफ है जैसा कि आपने देखा शुरुआत से, पर मैं ये बिल्कुल जानने की कोशिश करूँगी कि क्या ये लंबे समय तक के लिए चल सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा और अपने व्यूज़ भी शेयर कीजिएगा। और इसके बाद फिर मैंने जंगल इफ़ेक्ट देने के लिए यहाँ पे डिफरेंट कलर्स यहाँ पे डालना शुरू कर दिया। और अब धीरे धीरे फिर हम इसके ड्राई होने के बाद इसकी डिटेलिंग पार्ट पर आएंगे, तो उसे भी हम देख लेते हैं। चलिए, फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह के चैलेंजेस पसंद आते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे आप क्या देखना चाहते हैं या आपकी इस बारे में क्या सोच विचार हैं। तो ऐसा जान करके मुझे भी बहुत खुशी होगी कि मैं अब आगे नेक्स्ट क्या आपके लिए लाऊं, और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा अपने वर्क में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए फिर मेरी ये एक ब्रश थी वो काफ़ी पुरानी हो रखी थी, तो उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर स्टार्स बना लिए हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक रेनडियर बना लिया है, तो ये हम इजीली स्केच पेन से भी बना सकते हैं या फिर तो फ्री हैंड 0 नंबर की ब्रश से भी बना सकते हैं। पिक्चर ऑप्शन के लिए मैंने पिनिंट्रेस्ट की हेल्प ली है और ये कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है, पर अभी भी मुझे इनकम्प्लीट लग रही थी इसलिए मैंने यहाँ पे शूटिंग स्टार मून के साथ ऐड कर दिया है। और नीचे में जो सूखे पत्थर के तरह एक लुक आता है वो ऐड करने की कोशिश की है। लास्ट में मैंने बॉर्डर ऐड कर दिया है ब्लैक पेंट के हेल्प से, और अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, इसका फाइनल लुक देखिए, और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके भी फ्रेंड्स, किड्स और जो कोई भी आर्ट रिलेटेड
चीज़ों को पसंद करते हैं वो भी मोटिवेट हों और इसे बनाएं और आपके साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।